के लिए रहती है। हालेलुया, लेट्स कम एट दिस टाइम अनटू द लॉर्ड। आइए इस समय को प्रभु के अधीन करें। Heavenly Father, we thank you this morning. स्वर्गीय पिता, इस सुबह हम धन्यवाद देते हैं। We come to you, Lord, with a heart of thanksgiving. और एक धन्यवाद भरा हृदय लेकर हम आपके And we come to you, Lord, all our heart's desires. और हमारे दिल की चाहत को हम आपके अधीन करते हैं। We ask you, Lord, that you be with us, Lord, in every moment, in every time, Lord. और प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहे हर एक वक्त। Lord, I pray, Father God. Bless and heal every heart, Lord. प्रभु हर एक दिल को प्रभु आशीषित करे और चंगा करे। That they would receive and Lord know, Lord, that you are the only God. और ताकि वो जान सके कि आप ही एक परमेश्वर हो। Every need we commit unto you, Lord Jesus. और हर एक जरूरत को आपके अधीन करते हैं। By your Spirit, Lord, you would fulfill their needs. और आपके आत्मा के द्वारा हर एक जरूरत को आप पूरी करेंगे। I pray, Father God, that you would bless each and every one who's come with a heart of expectation. और हम प्रार्थना करते हैं कि हर कोई जो अपेक्षाओं को लेकर आया है, वो हर एक अपेक्षा पूरी हो। Pray, Lord, that he, as we worship you, Lord, let your spirit flow and heal and make your presence known. और प्रभु जैसे हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा को हम पर उंडेल दे प्रभु, और सबको छूने दे। In Jesus' name, we make this prayer. प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. God's people said. और प्रभु के लोगों ने कहा, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Come on, greet somebody this morning and say, Welcome to the house of the Lord. आइए एक दूसरे का प्रभु के भवन में स्वागत करें। Amen. Amen. Let's sing unto Him. आइए उसके लिए गाएं। There's a God is a God of possibilities. और हमारा जो परमेश्वर है वो संभवताओं का परमेश्वर है। And there is nothing impossible with our God. Hallelujah. हमारे परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। Hallelujah. What I see,
और हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो संभवताओं का परमेश्वर है। Where things come impossible with you, और जो भी कोई भी चीज आपके साथ असंभव नहीं है, put your God in front of you, it will be possible with you. Hallelujah. और आपके परमेश्वर को आगे रखिए और सारी चीजें जो है आपके लिए संभव हो जाएंगी। Hallelujah. Hallelujah. Because there is no one like Jesus. और प्रभु यीशु के जैसा और कोई नहीं है। There can be none like Jesus. और ना ही कोई होगा। He is with us every day of our life. और हमारे जीवन के हर एक दिन वो हमारे साथ है। As we take breath. और जैसे हम सांस लेते हैं। Because of His grace. उसके अनुग्रह के द्वारा। We live this morning to give Him glory. और इस सुबह हम यहाँ पर हैं ताकि उसे गौरव दे सके। Let's give Him praise and give Him all the honor. आइए उसको स्तुति दे, सारा आदर उसे दे। साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे, तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे, चाहे जहाँ भी हम जाएंगे यीशु का नाम हम ले जाएंगे, हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे, हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए, हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आइए जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु के लिए। सीटी बजाओ और ताली बजाओ, झूमो और नाचो
बचाओ और ताली बचाओ, झूमो और नाचो और आवाज उठाओ। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचाएंगे। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आइए जोरदार ताली हो जाए। जिन लोगों को सिटी बजाएंगे, जिनको ताली बजानी आती है वो तो सबको ही आती है। सिटी बजाओ और ताली बजाओ, घूमो और नाचो और आवाज उठाओ। बचाओ से शोर मचाएंगे। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह आए। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह गाए। जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा हुए जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। इट्स अ जॉय टू सिंग अन टू हिम, हालेलुया। और प्रभु के लिए गाना है, एक आनंद की बात है। You know, every day when the sun rises, we should praise the Lord. और जब भी हर दिन जब सूरज उगता है तो हमें प्रभु की आराधना करनी। And when the sun sets, you should praise the Lord. और जब वो अस्त हो जाता है उस वक्त भी हमें The Bible says that every time, every moment, we should praise the Lord. और बाइबल कहते हैं कि हर वक्त हर समय हमें प्रभु को स्तुति देनी है। Because that is the only thing that God desires from us. और यही एक बात है जो प्रभु हमसे चाहता है। Because he is the only one who saves us. क्योंकि वही एक है जिसने हमें बचाया है। He is the only one who brings us to him. और वही है जिसने हमें प्रभु के पास लेकर आया है। और जैसे हम उसके लिए गाते हैं, with a joyful noise, एक आनंद से भरा हुआ शोर मचाएंगे, with a hearts of thanksgiving, और धन्यवाद भरा हृदय, let's praise him. आइए उसकी आराधना करें।
मेरा आइए साथ में कहे हालेलुया 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 येशुआ हालेलुया 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 येशुआ करते हैं हम सजदा यहाँ हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ करते हैं हम सजदा यहाँ हालेलुया कम ऑन हालेलुया 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 Yeshua, come on, Hallelujah, 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 Yeshua, Hallelujah, Hallelujah. मिलकर गाएं कम ऑन सबसे ऊंचा है तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु नाम हर पहाड़ों से हर पहाड़ों से हर तूफानों हर तूफानों से आसमानों Yeshu, tera na.
सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। आइए अपने हाथों को ऊंचा उठा के उस नाम को ऊंचा उठा। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, कांग्रीगेशन गाएगा यीशु तेरा नाम। Thank you.
name of Jesus. आइए प्रभु यीशु के नाम को पुकारे. In your name, Lord. Oh, in your name. In your name, oh Jesus. There is freedom. There's deliverance through your name.
God says that every tongue will confess. और प्रभु का वचन कहता है कि हर एक ज़बान कबूल करेगी. That Jesus Christ is Lord. प्रभु यीशु ख्रिस्त ही प्रभु है. Because the name of Jesus has power. क्योंकि प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ है. I believe that as we lift up the name of Jesus. और मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं. The power of the Lord will dwell among us. और प्रभु का सामर्थ्य जो है हम पर उतर आएगा. And every tongue will confess Jesus Christ is Lord. और हर एक ज़बान कबूल करेगी कि यीशु ख्रिस्त ही प्रभु है. Yes, Lord, you are the King of our hearts, Lord. Thank you, Jesus. पिछले हफ्ते the doctors had a doubt. डॉक्टर्स को एक शंका थी that the cancer that I went through earlier जो कैंसर से मैं बीता पिछले बार so it has reoccurred. और उनको ये शंका हुई कि वो वापस आ गया है. And what happens is we usually believe what not only doctors say but what our situation also says. भले ऐसा होता है बहुत बार कि हम डॉक्टर्स जो कहते हैं वो ही नहीं लेकिन हमारी परिस्थिति को देखकर हम भी वही चीजें विश्वास करने लगते हैं. But there is no other word which is higher than the name of Jesus. और ऐसा कोई है ही नहीं जो यीशु मसीह से ऊंचा हो. I went to Raj Hospital in Mahim. मैं माहिम में रहे जो हॉस्पिटल में गया. And the doctor said that we need to go for a checkup once again. और डॉक्टर्स ने ये कहा कि एक चेकअप जरूरी है. I said okay fine. और हम बड़े उसमें आ गए. And the first tracer that they have is the CEA in the blood. सबसे पहला जो वो श्रेणी चेक करते हैं वो उसको कहते हैं CEA. Which is the protein in the blood. और जो आपके रक्त में प्रोटीन पाया जाता है उसकी जांच होती है. Which denotes that there are cancer bodies which are working against you. जो आपको ये बता देगी कि क्या आपके शरीर में कोई कैंसर उत्पन्न करने वाले ऐसे चीजें हैं या नहीं. And by the grace of God, और प्रभु के अनुग्रह के कारण, every day I was pushing this doubt out of my mind. हर दिन ये शंका को मैं अपने मन से दूर ही रख रहा था. But this kept on knocking my mind all the time. लेकिन मेरे मन में बार-बार ये शंका जो है खटखटाती रही. But I believe one thing is the God who heals me totally. और मैंने ये विश्वास किया कि जो परमेश्वर चंगाई देता है वो पूर्ण चंगाई देता है. But again, Satan is not jobless. He's still on his job. और मैं ये भी जानता हूँ कि शैतान बिना काम के नहीं चल रहा, वो अपना काम करता रहता है. No wonder Modi has not given jobs to anyone. भले ही मोदी ने जॉब्स नहीं दिए लोगों को. But Satan has his own ways of working out. लेकिन शैतान के पास नौकरी जरूर है. He puts you also on the job. और वो आपको भी काम पे लगा देता है. See, this is like looking like this, this is looking like this, you know? वो हमें ये दिखाता है कि देखो चीजें कैसी दिख रही हैं. But again, in faith. लेकिन विश्वास में. To be honest with you. अगर आपके साथ मैं ईमानदार रहूं. Not only every day, every moment of my life, I used to put that thing out of my mind. हर क्षण जब ये बात मेरे दिमाग में आती तो मैं उसे परे रखता, दूर रखता. Such an important thing. I want to challenge you this morning. और इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ आज सुबह. If you are alive here, अगर आप आज जिंदा है यहाँ पर, you also have doubts. तो आपके दिल में भी शंकाएं होंगी. But I will tell you, it's only faith that will push away
the doubts. और सिर्फ विश्वास है जो आपके शंका को दूर करेगा. And if Satan is trying to play with your life, और अगर शैतान आपके जीवन के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, believe me, God has a wonderful plan for you. और ये विश्वास कीजिए कि प्रभु का एक अद्भुत योजना है आपके जीवन के लिए. If you are a hunter, if you are a shikari, if you are a hunter, अगर आप एक शिकारी हैं, you will never shoot a dead cat. एक मरे हुए बिल्ली को वापस जाके आप नहीं मारेंगे. You will always try to shoot the one that is the fastest one, and the one that is the cleverest one, and the one that is very swift. और उसका ही शिकार करेंगे जो सबसे तेज भागता हो, सबसे चतुर हो. So if you are attacked by the evil one, अगर आपको जो है दुष्ट ने आक्रमण किया है आप पर, tell yourself that you are the one that God has made beautifully and wonderfully, that He has designed you. तो आप अपने आप को कहे कि आप वही हैं जिसको प्रभु ने बहुत भययोग्य और अद्भुत रीति में बनाया है. This is my report. ये मेरा रिपोर्ट है. And it says zero. और वहाँ पर जीरो लिखा गया है. See, thing is, it's not about how I look. It's not about how I look. ऐसा नहीं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ. It's how God looks at me. कि जैसा प्रभु मुझे देख रहा है वो महत्वपूर्ण है. The more I trust in Him, जितना मैं उस पर विश्वास करूँ, the more He elevates me, उतना ही वो मुझे उठ खड़ा करता है. I will tell you, don't miss out this platform to glorify the name of Jesus. और मैं आपको कहूँगा कि इस वेदी से आप दूर ना रहे जब आपको मौका मिले प्रभु की महिमा करने के लिए. Everyone has got a miracle that God has worked last week. हर एक के जीवन में एक ऐसा चमत्कार हो रहा है जिसे परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा हो. If you do not know that, अगर आपको नहीं पता, I will tell you. मैं आपको बताता हूँ. You have that miracle in you. आप वो चमत्कार आपके जीवन में भी है. Many people have landed up in Sivri or you know in Govandi or they have landed up there without breath. और बहुत लोग बिना सांस के शिवरी या गोवंडी में अपना अंतिम जगह ढूंढ लेते हैं. But God has kept your life. लेकिन प्रभु ने आपको जिंदा रखा that हुआ है. That itself is a miracle. वो खुद में ही एक चमत्कार है. That itself is a faithfulness of God in your life. और आपका जिंदा रहना प्रभु की विश्वसनीयता को दर्शाता है. This is the report to please the doctors. और ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर्स को प्रसन्न कर रहा होगा. Yeah, it's to please them that yes, I have gone through the test. और ये रिपोर्ट जो है डॉक्टर्स को दिखाने के लिए कि हाँ चलो मैंने मेरी जांच कर ली है. For me, it's an added agreement or added favor to me. मेरे लिए ये रिपोर्ट जो है जो मैं जानता हूँ उसके ऊपर जो है इसे जोड़ा गया है. But the first report that I have is a God who saves me. पहला रिपोर्ट जो मेरा है वो प्रभु का है जिस प्रभु ने मुझे बचाया है. It says in यरेमिया के 33 के 6 आयत में ये कहता है कि देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा. It's a God of who gives us abundance of peace. और हमारा परमेश्वर जो हमें शांति की भरपूरी देता है. An abundance of truth. और सच्चाई की भरपूरी देता है. And that is the very character of God. और यही परमेश्वर का चरित्र है. What he has, he gives. जो उसके पास है वो ही वो देता है. He doesn't give you fear. वो आपको भय नहीं देता. Because he doesn't have that. क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं देने के लिए. So when we come, जब हम आते हैं, we can come only with what God has given us. हम तभी आ सकते हैं जब आप वो प्राप्त करेंगे जो प्रभु ने आपको दिया है. हम वही ला सकते हैं जो प्रभु ने हमको दिया है. Simple as that. So if there is any area, you know, in your life which brings in doubt, अगर ऐसा कोई भी क्षेत्र आपके जीवन में जहाँ पे आपको शंका है आ रही है. The Lord shows me very clearly about students who have appeared for their 12th or to their competitive exams. और प्रभु मुझे स्पष्ट रूप में दिखा रहा है विद्यार्थी जो अपने एग्जाम्स दे चुके हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे चुके हैं. Let there be no fear. आपके अंदर कोई भय ना रहे. Let there be no anxiety. कोई चिंता ना रहे. Because the Lord who has done the good work in you, क्योंकि परमेश्वर जिसने भला काम आपके अंदर किया है, he is faithful to take it ahead for you. और वो विश्वसनीय है कि वो अंत तक उसे ले चलेगा. You will receive it only when you believe it. और आप उसे तभी प्राप्त करेंगे जब आप उस पर विश्वास रखेंगे. And the moment you believe it, you already received it. जिस क्षण आपने विश्वास कर लिया उसी क्षण आपने प्राप्त भी कर लिया. So I want to thank God and really bless all of you who have been praying and God has been faithful. और प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो विश्वसनीय रहे प्रार्थना करने के लिए. And I want to encourage you all also. मैं आपको उत्साहित भी करूंगा. That every word that is being sung, हर एक शब्द जो यहां से गाया जा रहा है, it should be our heartbeat. वो हमारे दिल की धड़कन के समान होनी चाहिए. It should never be the movement of our lips. और सिर्फ हमारे होठ हिलने नहीं चाहिए. Neither should the music lead me. और म्यूजिक मेरी अगुवाई ना करे.
it's the spirit of God that should lead me ahead. और प्रभु की आत्मा है जो मेरी अगुवाई करे ये गीत गाने के लिए. Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. मैं भी एक गवाही देना चाहता हूँ. मैंने महसूस किया, आंखों से देखा कि परमेश्वर कहता है ना तो मैं आपको छोड़ूंगा ना त्यागूंगा. I have experienced it and I've lived to testify that the Lord has spoken that I will not leave you nor forsake you. So मैं मेरे गांव गया था गोवा. When I went to my hometown Goa. और जब आने का समय हुआ तो कार में उतनी जगह नहीं थी तो हमने बस में टिकट बुक किया. So when we had to return back there was not enough space in the car so we had to book the bus tickets to come back. फिर हमने हमारा सामान लिया और उसे हाईवे पे रखा. And we took our luggages and we kept it by the highway. और सेरा का जो पति है चेतन उसका गाड़ी जरा साफ करना इसके लिए मैं मेरा पहचान होने की वजह से मैं वहां पर चला गया. So Sarah's husband Chetan needed to clean his car so I went to just help him with that. और फिर सेरा कहती है चलो मेरे को थोड़ा चाय पीना है तो मैं उसको वहां पर लेकर गया. So I took my daughter Sarah to have tea by the side. और खिड़की से एक ठंडी हवा आई और मेरे गाल पर लग गया. मेरी मम्मी को बोलता अरे बारिश आने वाला है. And then there was a sweet wind that blew and it lashed against my chin and I told my mother that now it's going to start. पर मैं इस बात को भूल गया कि मेरा लगेज बाहर है रास्ते पे. And I said my luggage is right there outside in the highway. तो वहां पर एक टेंपो वाला आ गया. So there was a guy in the tempo who came. उसने अपना टेंपो पार्क किया. He parked his tempo there. मेरे बीवी के पास आया. He came to my wife. और कहता है कि ये सामान उठा के टेंपो में रखो रास्ते पे अच्छा नहीं लग रहा है. And he said keep your luggages in the tempo because it's not looking nice to be kept by the highway. और जैसा ये सामान टेंपो में रखा. The moment my luggages went inside the tempo. फिर बारिश आ गया. The rain started coming. हमने टेंपो वालों को बोला नहीं कुछ. We never asked the tempo guy to come. पर परमेश्वर का वचन सच्चा है कि ना तो वो हमें कभी छोड़ता है ना तो कभी हमें वो त्यागता है. The Lord's word is true that he never leaves us nor forsakes us. सामान बच गया. And my luggages were safe. खाने का चीज बच गया. और ऐसा बारिश भी जोरदार बारिश था. It was not like drizzling rain, it was heavy rain. मैं भागा मैं पूरा भीग गया. I also ran, I was drenched. बट परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है. But the Lord never leaves us. और मैं ये गवाही देने वाला ही नहीं था. I was not going to give this testimony. इनकी गवाही सुनकर मैं बोला ये परमेश्वर जो है ना तो कभी हमें छोड़ता है ना तो कभी हमें त्यागता है. परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो मेरा प्रभु यीशु मेरे अंदर रहता है. मेरा चंगा करने वाला मेरा प्रयोजन करने वाला मेरा छुटकारा देने वाला मुझे संभालने वाला मेरे साथ रहता है. और हम प्रभु का धन्यवाद करते इस गवाही के लिए कि उसका ही नाम को हम ऊंचा उठा दे क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं. Amen. Man, I give glory to God. I was encouraged to give this testimony because I heard brother's testimony and it increased my faith to come and share because the Lord is our only provider and the Lord is our only healer. Praise be to God. Amen. What a God we serve, isn't it? Amen. He can do marvelous things that we can think or imagine. और वो ऐसी बातें कर सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते. You know, when you go through physical illness, और जब हम शारीरिक समस्याओं से जाते हैं कमजोरी से जाते हैं, only God knows what you go through. और सिर्फ प्रभु जानता है कि आप किस दौर से जा रहे हो. But you know, our God is a faithful God. लेकिन हमारा प्रभु एक विश्वसनीय प्रभु है. Can we all stand up to our feet? आइए हम अपनी जगह पे खड़े रहेंगे. And honor what the Lord has done. और हम आदर करेंगे जो प्रभु ने. Because the name of the Lord has power. क्योंकि प्रभु के नाम में सामर्थ है. The name of the Lord has healing. और उसने चंगाई है. And as we sing this, और जैसे हम इसको गाते हैं, I believe that everything that you lack will be fulfilled. When you call on the name of Amen, Amen. और हम विश्वास करते हैं कि जो भी कमी है वो पूरी हो जाएगी प्रभु यीशु के नाम में. Your name is power. Your name is healing.
Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Can we all sing it together? Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Can we all lift up our hands and say together? Your name is power. Your name. Yeah.
करेंगे आप पवित्र आत्मा मन को दिया
पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु आपकी सुंदर सी उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपने स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई की, इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु ये दान दशांश को प्रभु आपके आधीन करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु इसका इस्तेमाल आपके राज के लिए हो पिता परमेश्वर। प्रभु जिन्होंने दिया है प्रभु उनको बहुतता इससे दे पिता परमेश्वर, जो बो नहीं सके पिता परमेश्वर प्रभु उनको दे पिता परमेश्वर ताकि वो बो सके पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु, जो जो बिजनेस करते प्रभु, जो जॉब करते पिता परमेश्वर, कोई भी काम पिता परमेश्वर, उनको उन कामों में प्रभु आप आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कलीसिया के हर सदस्य के लिए पिता परमेश्वर, आर्थिक में उनकी बढ़ोतरी कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु ये प्रभु दान दशांश आपके कार्य के लिए प्रभु इस्तेमाल हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय के लिए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करती हूँ, सुन और कबूल कीजिए, आमेन। Praise the Lord, Church. Amen. प्रभु की स्तुति हो कलीसिया। Let us thank the Lord for His amazing presence in our midst and for the amazing testimonies that we hear. All glory and honor belongs to Jesus alone. आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है और हमारे बीच में इतनी अच्छी गवाही थी। सब सारा आदर और महिमा केवल परमेश्वर को। Yes. So let us now look at the announcements for this week. आइए इस हफ्ते की सूचनाओं पर ध्यान देते हैं। So as you all know, we meet every Sunday over here at 10:30 in the morning for our Sunday service. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर इतवार यहाँ पर सुबह 10:30 बजे मिलते हैं। And we also continue going live on YouTube. और हम YouTube पर भी live जाते हैं। So if you can't make it to the hall, you can join us on our YouTube. And if you're coming over here, you can also share our link with your near and dear one so that they too can join our service and be blessed. अगर आप किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ सकते तो कृपया करके हमारा YouTube link कृपया करके YouTube से आप हमें देख सकते हैं और आप उस YouTube लिंक को अपने दोस्त को और परिवार वालों को भेज सकते हैं जिससे वे भी आशीष पाएं। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया हैंडल्स, दैट्स Instagram, Facebook, Twitter एंड YouTube, सो दैट यू आर कनेक्टेड विद अस एंड यू आर अवेयर अबाउट ऑल आवर मीटिंग एंड इवेंट्स एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। कृपया करके हमें सभी प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल पर फॉलो करें और जिससे आपको कलीसिया से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं वो सब पता चल जाएगी। आर वीकली मीटिंग्स रिमेन द सेम, और जो हमारी हफ्ते भर की सभाएं हैं वे वैसे ही होती आएंगी जैसे हो रही हैं। सो इवन एज वी आर कंटिन्यूइंग द अनाउंसमेंट्स, द स्लाइड्स विल बी रनिंग, यू कैन मेक अ नोट ऑफ द हाउस ग्रुप दैट्स नियर बाय टू योर हाउस एंड मेक श्योर यू जॉइन इट। जैसे हम सूचना दे रहे हैं आपको पीछे हफ्ते भर की सभाएं दिख जाएंगी और जो हाउस ग्रुप आपके करीब है तो कृपया करके उस हाउस ग्रुप में जुड़े। We would like to welcome the ones who have come here for the first time. So if you've come here for the first time, it's definitely not by chance. It's God's will and we want to welcome you. So we request you to stand. If you're joining us live on YouTube for the first time, we request you to share your details. We would like to get in touch with you as well. हम उन सभी का स्वागत करना चाहते हैं जो यहाँ पर पहली बार आए हैं। आप यहाँ पर इत्तेफाक से नहीं आए हैं, ये परमेश्वर की योजना है। और जो लाइव देख रहे हैं कृपया करके कॉमेंट सेक्शन पर डाल दें अगर आप नए पहली बार जुड़े हैं तो। We have a sister, your family there, a sister there and a brother. We welcome you all. हमारे बीच में एक बहन है, वहाँ पर परिवार है। Make sure you fill the card and the details that are mentioned in it so that we can get in touch with you and pray for you. कृपया करके जो पर्ची आपको मिला है कृपया करके उसे अच्छे से भर दें कि हफ्ते के दौरान हम आपको प्रार्थना के लिए कॉल कर सकें। Yes. Thank you. We would now like to celebrate with the ones who are celebrating their birthdays or anniversary this week. So if you're over here and you're celebrating your birthday or anniversary, we request you to stand. And if you're joining us live and you're celebrating your birthday or anniversary, we request you to drop it in the comment section. We'll wait for a while. हम उन सभी के साथ खुशियां मनाना चाहते हैं जिनका जन्मदिन और शादी का सालगिरह है इस हफ्ते में। अगर है तो कृपया करके अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और जो लाइव देख रहे हैं कृपया करके कमेंट सेक्शन पर डाल दें। Seems like there's a lot of celebration this week, so we'll start from here. Okay, Brother George and Sister Sangeeta celebrate their anniversary today. Happy anniversary. Happy anniversary. Tomorrow. Okay, so Desh and Sangeeta celebrate their anniversary tomorrow. Uncle celebrates his birthday on 23rd. Okay. Raju Uncle and Seema Aunty celebrate their anniversary on Wednesday. John celebrates his birthday on 21st. And Sister Valsa and Brother Isaac celebrate their anniversary on 25th. And brother celebrates his anniversary on 14th May. And auntie celebrates her birthday on
एनिवर्सरी की 22nd ओके वाओ टू मेनी एनिवर्सरीज टू मेनी बर्थडे वी वुड लाइक टू ब्लेस यू विद अ वर्स यस साम्स 31:19 हम आपको एक वचन से आशीषित करना चाहते हैं भजन संहिता उसका 31वां अध्याय और 19वां वचन इट सेज हाउ अबंडेंट आर द गुड थिंग्स दैट यू हैव स्टोर्ड अप फॉर दोज हु फियर यू दैट यू बिस्टोव इन द साइट ऑफ ऑल ऑन दोज हु टेक रिफ्यूज इन यू आमेन 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 ये वचन यूं कहता है कि आह तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है आमेन 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 So these were the announcements for this week. और ये हफ्ते भर की सूचनाएं थी. Yes, now I would like to call our very own Pastor Simon to share the word with us. हम स्वागत करते हैं Pastor Simon का जो हमारे बीच में वचन बांटेंगे. And Sister Ansi to translate. और Sister Ansi जो उनका अनुवाद करेंगे. Amen. So today the church in Mumbai is celebrating the Pentecost Sunday. और मुंबई की कलीसिया जो आज है पेंटेकोस्ट का इतवार भी मना रही है. Amen. But we celebrate it every Sunday. हमारे लिए हर इतवार पेंटेकोस्ट का इतवार है. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yeah. Just crossed my thought when we were making the announcements. अब जब सूचनाएं चल रही थी तो मेरे विचार में ये आया दैट मींस टुमारो इवनिंग आई थिंक मोस्ट ऑफ अस विल बी फ्री ये है कि कल शाम को जो है हम में से बहुत लोग फ्री रहने वाले हैं अनलेस दे आर ऑन डेट और समथिंग ओके इट्स फाइन ओके यू नो सो आई वाज जस्ट थिंकिंग इफ वी कैन गैदर हियर एंड रियली ऑब्जर्व द पेंटिकॉस्टल डे तो मैं ये विचार कर रहा था क्यों ना ऐसा हो कि हम कल शाम को यहाँ पर इकट्ठा हो और इतवार का जो जो पेंटेकोस्ट का दिन है उसे हम मनन करें और एक साथ बिताए वेट फॉर वेट अपॉन द लॉर्ड कि हम प्रभु पर प्रतीक्षा करें एंड रिसीव द फ्रेश अनॉइंटिंग हालेलुया एज़ वेल और एक ताज़ा जो अभिषेक है हम प्राप्त करें सो एनीबॉडी फ्रॉम द आई मीन How many of you from the worship team are saying yes to this? कितने लोग हैं जो worship team से कल या शाम को यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए हाँ कह रहे हैं? Do you have any plans? Yes, the worship team is out. Yeah. Oh, I didn't know rapture has already taken place. Okay. Anyway, catch them and bring them back. You need to go together. No, we'll go to, they'll come back to, we'll all go together, no problem. Yes. Hallelujah. So, I think we can confirm that by the end of the service, you know, if we can meet tomorrow and really celebrate, you know, the day when the church was born. और इस सभा खत्म होने के बाद ही हम जो है इसकी सूची को पुष्ट कर देंगे और साथ में मिलकर जो है पेंटेकोस्ट के दिन को मनाएंगे. Amen. Yeah, shall we ask the Lord to bless his word? आज के वचन को प्रभु आशीषित करे आइए हम प्रार्थना करते हैं Father, we thank you for this time you've given us. पिता धन्यवाद इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है Thank you, Lord, that we can live by your word. धन्यवाद प्रभु कि हम आपके वचन के द्वारा जी पा रहे हैं Because, Lord, your word has got life. क्योंकि आपके वचन में जीवन है And it has life and even the power to transform us. और उस जीवन में प्रभु ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी जिंदगी को वो बदल दे And even as we look into your word this morning, और जैसे आज प्रभु हम आपके वचन की ओर देखे Lord, we pray that you'd speak to us in a fresh way. और प्रभु प्रार्थना करते हैं एक नए रूप में आप हमसे बात कीजिए In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं Amen. Amen. The title of today's message is Be Prepared. और आज के जो संदेश का शीर्षक है कि तैयार रहें And the principal, you know, verses that I will be dealing with is from Ephesians chapter 6, verses 10 to 20. और जो मूलभूत वचन जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है एफिसियों के छठी अध्याय 10 से लेकर 20 आयत तक
You see, every Christian is called to be a soldier of Christ. और हर एक मसीही को एक सेनापति या योद्धा बनने के लिए बुलाया गया है. And therefore, in 2 Timothy chapter 2 and verse 3, it says, "You therefore must endure hardship as a good soldier of Christ, Jesus Christ." इसलिए दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय तीसरी आयत में ये कहा गया है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के नाम मेरे साथ दुख उठा. Yes, the time period between the victory at the cross और जो अंतराल था विजय और क्रूस के बीच में and the coming of the Lord और यीशु के आगमन में is a period of grace. वो एक अनुग्रह का समय है हमारे लिए. It is a period of gathering और एक ऐसे समय है जहाँ पर हम जो है वो जो उपज है उसको इकट्ठा करें. It is also a time when we can repossess that which Satan has stolen away from God's people. और एक ऐसा समय भी है कि जो शैतान ने चुराया है हम उसे वापस हासिल करें. You see, in Matthew chapter 11 verse 12, मत्ती के 11 अध्याय और 12वीं आयत में ये कहता है, from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence and the violent take it by force. योहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं. You see, as a good soldier, we suffer hardship. और एक अच्छे योद्धा होने के नाते तकलीफें सहनी पड़ती हैं. And I'm not talking about a soldier who defends. और एक ऐसा योद्धा नहीं जो अपना बचाव करता है उसके बारे में नहीं कह रहा हूं. God is calling for soldiers who can offend. और ऐसे योद्धा जो आगे जाकर छीन कर ले सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं. Powers of darkness और अंधकार की ताकतों के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं. To bring deliverance to those who are bound. ताकि उन लोगों के लिए छुटकारा ला पाए जो बंधे हुए हैं. To set the captives free. जो बंधे हुए हैं उन्हें आजाद करने के लिए. This does not need an army that is defending itself. और ऐसी सेना की जरूरत नहीं जो अपने आप को बचाकर चल रहे हो. But it had got fire in its belly to go and offend the enemy armies. लेकिन एक ऐसी सेना जिसके पेट में ऐसी अग्नि जल रही हो कि वो जाकर शत्रु पर आक्रमण कर सके. So when we see this, what happened in the upper room? और हम जब देखते हैं ऊपर वाले कमरे में, अपर रूम में जो हुआ. You know, when the disciples had gathered together along with the other followers. और जब शिष्य जो है साथ में मिले थे दूसरे चेलों के साथ. You know, the power of God came upon them. और प्रभु का सामर्थ उन पर उतर आया. So that they would now be powerful. और इसके बाद जो है वो सामर्थी बन गए. See, when you are powerful, जब आप सामर्थी हो जाते हैं, you know, nobody wants to touch you. कोई भी आपको छूना नहीं चाहता. But you can go and touch that one who is deceased. लेकिन आप जाकर छू सकते हो उनको जो बीमार है. Yeah, so then when the Lord is talking about, you know, the kingdom of God, kingdom of heaven suffers violence. और यहाँ पर जो वचन बात करता है कि जो प्रभु का राज्य है उसमें जो है आक्रमण होता रहता है. Yes, there will be violence against the church of God. और आक्रमण होता रहेगा कलीसिया के खिलाफ. There will be a violence against your mind. और आपके मन के खिलाफ भी आक्रमण होता रहेगा. There will be lot of violence that will come your way. और बहुत आक्रमण आपके प्रति आता रहेगा. But then you are not supposed to be quiet about it. लेकिन आपको उस वक्त शांत नहीं रहना है. You can't accept it. आपको स्वीकार कर नहीं बैठना. The violent take it by force. That's the kingdom of heaven. क्योंकि परमेश्वर का राज्य में जो बलवान है वो छीन कर लेते हैं. Yes, and we after what God has established in us. और जो परमेश्वर ने हमारे अंदर स्थापित किया है. So that which happened on the day of Pentecost. और जो पेंटेकोस्ट के दिन हुआ. See, Acts chapter 2 starts with this verse. प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय इसी से शुरुआत करता है. That on the day of Pentecost. कि पेंटेकोस्ट के दिन. What happened? क्या हुआ? The power of God came upon all those who had gathered there. और प्रभु का सामर्थ उन लोगों पर आ गया जो वहाँ पर इकट्ठे हुए थे. And tongues of fire came upon all of them. और अग्नि के जीभ उन सब पर आकर बैठ गई. And the disciples and the followers who had been fearful, चेले और शिष्य जो अब तक डरे हुए थे, became charged and went out and preached the gospel. वे उत्साहित हो गए और बाहर जाकर प्रभु का सुसमाचार प्रचार करने लगे. Signs, wonders and miracles followed their preaching. चिन्ह और चमत्कार उनके प्रचार के साथ साथ हो चल रहे थे. A fearful lot became a dynamic force. एक डरी हुई जो सेना है वो जाकर एक उत्साहित और एक जोश से भरी हुई सेना.
सेना बन गई. They were no more afraid of the Roman armies. अब वो रोमी साम्राज्य से डर नहीं रहे थे. They went and offended the powers of darkness. और अंधकार की ताकतों के खिलाफ वो जाकर काम कर रहे थे. This verse has been written so that the church would be excited and enthusiastic. और ये वचन इसलिए लिखा गया है ताकि कलीसिया जो है उत्तेजित हो और जोश के साथ बने रहे. I firmly believe the church is not called for defense. मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूँ कि कलीसिया को बच बचा कर नहीं चलना. God wants to put that fire of the Holy Spirit inside of each one of us. प्रभु जो है उसके पवित्र आत्मा का अग्नि हम सब में उंडेलना चाहता है. When you are carrying fire, you set fire. जब आप अंदर आग लेकर चलते हो तो जहाँ पर भी आप जाते हो वहाँ पर आग फैलाते भी हो. Yes, you are not fire. Sets fire other more fires. और आग जो है और चीजों को आग लगाता है. So that's exactly why God wants to put this fire inside of us. और इसलिए ही परमेश्वर उस अग्नि को आपके अंदर डालना चाहता है. So this morning we let us tell us till one another. आइए हम इस सुबह एक दूसरे को कहे. I am not in a playground. I am in a battleground. मैं एक खेल कूदने वाले ग्राउंड में नहीं हूँ. मैं एक युद्ध भूमि में हूँ. I am in a battleground. मैं एक युद्ध भूमि में हूँ. I have the mind of a soldier. और मेरे अंदर योद्धा का मन है. Time of party is over. पार्टी का समय खत्म. I am in a battleground. मैं एक युद्ध के भूमि में हूँ. I have come with the intent of fighting. मैं यहाँ पर लड़ने के मनस्थिति से आया हूँ. Let me tell you, if Satan says I don't want to fight with you. अगर शैतान कहते मुझे आपसे लड़ना नहीं है. I am going to tell him I want to fight with you. मैं कहूँगा मुझे तुझसे लड़ना है. I am not here to tell you that okay let's compromise. मैं ये नहीं कहूँगा चलो हाथ मिला लेते हैं. No. Not at all. बिल्कुल नहीं. This is the place where I'm going to be in war. और यहाँ पर मैं युद्ध के लिए आया हूँ. I'm going to place myself in the battleground. मैं अपने आप को युद्ध भूमि के बीचों बीच रखूंगा. Yeah, so whether we like it or not, भले हमें पसंद हो या ना हो, we are engaged in spiritual battle. Hallelujah, हम आत्मिक युद्ध में वैसे ही आ चुके हैं. We are already there. हम वैसे ही वहाँ पर हैं. You cannot say I'm you know having a peaceful time. और ये नहीं कह सकता एक बहुत शांति का समय बीत रहा है मेरे साथ. I'm already in the battleground. मैं युद्ध भूमि में पहले से ही खड़ा हूँ. The powers of darkness are opposing me. अंधकार की ताकतें मेरे खिलाफ आ रही हैं. They're coming against me. मेरे खिलाफ आ रही हैं. They're coming against my thinking. और मेरे विचारों के खिलाफ आ रही हैं. They're coming against the faith of God which is there in my heart. और विश्वास के खिलाफ आ रही हैं ये ताकतें. They're trying to shake that faith away. और उस विश्वास को हिलाने की कोशिश कर रही हैं. But I know I am in a spiritual battle. लेकिन मैं जानता हूँ मैं एक आत्मिक युद्ध में हूँ. Yes, so let's look, start preparing for battle. तो आइए तैयार रहे इस युद्ध के लिए. So let's start with Ephesians chapter 6. और शुरुआत करेंगे एफिसी के छठे अध्याय के. Verse 10 and 11. 10 और 11 पढ़ेंगे. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. Yes, preparation for battle. और युद्ध की तैयारी करना. He says, you know, wear the full armor of God. और जो पूरा हथियार है उसे बांध लो. Yes, so that you can stand against the tricks of the devil. कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. You see, the armor protects you against fiery darts. और ये जो हथियार है वो आपको जो है तीर जो अग्नि से भरी तीर है उससे सुरक्षा करती yeah, है. Yeah, so that the arrows can't enter the gaps. और ताकि ये तीर जो है वो घुसकर आपके शरीर पर आक्रमण so न कर सके. Make sure that your armory is full. तो आप ये ध्यान ले कि आपका हथियार आपने पूरा पहना हुआ है. That there is no gap through which Satan or his angel, his agents can enter. और उसके बीच में ऐसा कोई गैप ना बचे जिससे शैतान अंदर प्रवेश कर सके. So wearing the full armor of God is important. और पूरा हथियार बांध लेना बहुत जरूरी है. And the verse says, finally be strong in the Lord. And in his mighty power. और वहाँ पर कहता है कि प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. परमेश्वर की सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. Yes, that we are now in the power of his might. और हम उसके बलवंत उसके शक्ति के प्रभाव में चल रहे हैं. See, when the disciples, and the followers were waiting in the upper room. जब ऊपरी कमरे में जो शिष्य और चेले इंतजार कर रहे थे. You see, they received power. उन्हें सामर्थ प्राप्त हुआ. Was it some kind of a discounted power? क्या ऐसा सामर्थ था जो बच बचाया था वो उनको दे दिया? Yeah. Was it something that you know they could do away? They could have a good weekend?
या ऐसा सामर्थ्य था कि चलो आपका आने वाला हफ्ता अच्छा रहे इसलिए थोड़ा सामर्थ्य दे दिया दिस पावर ये सामर्थ्य जो है इज द सेम पावर दैट रोज जीसस फ्रॉम द डेड इज नाउ वर्किंग इनसाइड ऑफ दोज हु बिलीव हालेलुया जो विश्वास करते हैं ये वही सामर्थ्य है जिसने यीशु मसीह को मरे में से जी उठाया वही सामर्थ्य आज उनके अंदर जारी है सी व्हेन गॉड गिव्स जब परमेश्वर देता है ही गिव्स यू इन फुल मेजर वो पूर्ण रूप में देता है ही नेवर गिव्स यू समथिंग which is discounted wo aisa kuch nahi deta jo bacha hua ho he gives you full measure wo pura maap aapko deta hai yes pressed down shaken overflowing hilakar aur umad umad kar jo milta hai wo aapko milta hai our little minds think about money hamare chote man jo hai sirf paison ke bare mein sochte hain let me tell you if you walk on the street and your shadow is raising people from the dead Who will be honored more? Hallelujah. आप इतना ही सोचे अगर आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपकी परछाई से मरे हुए जी उठ रहे हैं तो किसको आदर मिलेगा? On the other side is Ambani Adani on all gang. और उस तरफ रास्ते के अंबानी अडानी उनका पूरा गैंग होगा And you are on this side. और अगर आप इस तरफ हैं And you are walking. और आप चल रहे हैं The lame are walking. और अगर लंगड़े चलने लग रहे हैं The blind are seeing. जो अंधे देखने लग रहे हैं The paralytic starts और jumping. जो लकवे मारे हैं वो चल रहे हैं I'm telling you, you will have more followers Hallelujah. than them. तो मैं आपको कह रहा हूँ आपके पीछे और चेले होंगे ना कि उनके पीछे Even their shareholders will come after you. उनके शेयर होल्डर्स भी आपके पीछे हो चलेंगे दिस इज द पावर ऑफ गॉड दैट इज एट वर्क इनसाइड ऑफ यू और ये परमेश्वर का सामर्थ्य है जो आपके अंदर कार्यरत है सो व्हेन आई वेयर द फुल आर्मर ऑफ गॉड जब मैं परमेश्वर के हथियार को पहन लेता हूँ आई बिकम अनअप्रोचेबल फॉर द इविल वन और शैतान मुझे प्रवेश कर ही नहीं सकता नन ऑफ हिज फायरी डार्ट्स विल एवर अटैक मी उसके तीर कभी भी मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकते एंड देन लेट्स सी वर्स 12 आइए 12वीं आयत देखेंगे क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है यस फॉर आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट द रूलर्स एंड अगेंस्ट द अथॉरिटीज अगेंस्ट द पावर्स ऑफ दिस डार्क वर्ल्ड एंड अगेंस्ट द स्पिरिचुअल फोर्सेस ऑफ ईविल इन द हेवनली रियल्म्स Now this is what the verse reads, right? और ये बारहवीं आयत यही कहता है। But I must tell you something. मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। The original word is different. जो इसमें original शब्द है, कुछ अलग है। That was translated and written in the Geneva Bible. और जो Geneva Bible में लिखा गया है, वो ये वचन इस्तेमाल किया गया है। It was written before the authorized King James version. और King James version के आने के पहले ये लिखा गया था। And so at that time, और उस समय, King James जो है, twisted the verse a little bit. थोड़ा सा उसने इस वचन को मरोड़ दिया. And I will tell you, I will read from Geneva Bible. और Geneva Bible में ये वचन कैसा लिखा गया है, मैं आपको पढ़के सुनाता हूँ. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, and against the worldly governors. और यहाँ पर ये लिखा गया है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं प्रधानों से और अधिकारों से और सांसारिक जो है राजाओं से है Yes, against worldly governors, they removed that. और जो सांसारिक राजा हैं ये शब्द हटा दिया गया Only to justify. सिर्फ ये सिद्ध करने के लिए their colonial mentality and slave trade. क्योंकि वो ये सिद्ध करना चाहते थे या उसको नहीं बताना चाहते थे जिस रूप में वो दूसरे देशों को गुलाम बनाते थे because the king wanted to remain authority in the politics as well as the spiritual realm वो वचन इसलिए निकाला गया ताकि राजा जो उस समय का था वो चाहता था कि उसकी हुकूमत बनी रहे But I believe, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ I believe in what the Geneva Bible says मैं विश्वास करता हूँ Geneva Bible में जो लिखा गया है the church needs to stand against evil powers on this earth as well और जो कलीसिया है उसको खड़े रहना है जो दुष्ट सामर्थ्य संसार में भी चल रहे हैं उसके खिलाफ भी खड़े रहना है Yes and the princes of darkness we need to stand against them और जो अंधकार के हकीम हैं उनके खिलाफ भी खड़े रहना है We cannot surrender to the evil deeds of the powers that are there today और हम जो हैं अपने आप को समर्पित नहीं कर सकते उस दुष्ट हाथों के नीचे So when we see in battle
जब हम युद्ध में देखते हैं, we come against every force that is against the ethics and the power of God. और हम हर एक जो जो आपके खिलाफ आता है उसके विरुद्ध खड़े रहते हैं. We can discuss these issues later on sometime. हम कभी समय लेकर इसके बारे में चर्चा जरूर Because करेंगे. Sometimes you see what happened was, I'll tell you the timing also. The Geneva Bible was written in 1557. जेनीवा बाइबल जो है 1557 में लिखा गया. एंड देन इट वाज पब्लिश्ड इन इंग्लैंड. और फिर इंग्लैंड में उसको पब्लिश किया गया, छापा गया इन 1576 के समय पर वर्ष में. बाइबल बिकेम सो पॉपुलर अमंग द प्योरिटन्स, मींस टुडेज पेंटेकोस्टल्स. और प्योरिटन्स या आज के पेंटेकोस्टल लोगों के बीच में बाइबल इतना मशहूर हो गया दैट इट बिकेम वेरी पॉपुलर इन इंग्लैंड. और वो बहुत ही मशहूर हो गया इंग्लैंड में. एंड दे स्टार्टेड रीडिंग दीज वर्सेस एज दे आर. और वो ये जो वचन है जैसे लिखे गए थे वैसे ही पढ़ने लगे. नाउ द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड द किंग वर डिस्टर्ब. और चर्च ऑफ इंग्लैंड और राजा जो है वो थोड़े विचलित हो गए. व्हाट टू डू, क्या करें. सो दे डिड नॉट ऑथराइज दिस बाइबल. तो उन्होंने इस जेनेवा बाइबल को जो है आधिकारिक रूप में नहीं छपने दिया. एंड दे प्रिंटेड अनदर वन. और फिर एक दूसरा जो है कॉपी छपाया. एंड दैट वाज डन. और वो किया गया इन 1604 के साल में. सी द चर्च हैज द पावर टू कम अगेंस्ट ऑल इविल अथॉरिटीज. और कलीसिया के अंदर एक सामर्थ्य है कि हर एक दुष्ट अधिकारों के खिलाफ वे आ सके. Today we need to stand against what happens in Manipur. और आज हमें खड़े रहना है उसके खिलाफ जो मणिपुर में हो रहा है. We need to stand against things that are happening anywhere else in the nation. और भारत देश में कहीं पर भी कुछ हो रहा हो उसके खिलाफ हमें खड़े रहना है. Or even against things that are happening internationally. और जो अंतरराष्ट्रीय जगह पर हो रहा है उसके खिलाफ भी खड़े रहना है. Because when this power came upon the church, it gave it authority. जब ये सामर्थ्य कलीसिया पर उतर आया तो कलीसिया को अधिकार मिला. To give it authority to say that look, every evil deed is going to be questioned. और ये अधिकार जब आया तो ये सामर्थ पे मिला कि हर एक दुष्ट बातों के खिलाफ प्रश्न उठाया जाएगा. See, that's why what happened to the disciples. तो चेलों के साथ क्या हुआ? Did the Romans like them to preach? और क्या रोमी साम्राज्य को पसंद था कि वो प्रचार करे? Did the blue-blooded Jews wanted them to preach? और वो राजकीय जो योद्धा है यहूदी है चाहते थे कि ये प्रचार करे? They all came against them. ये सब इनके खिलाफ आए. But what did the disciples say? लेकिन चेलों ने क्या कहा? We would rather obey God. हालेलुया, उन्होंने कहा हम प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे. God's authority supersedes every authority on this earth. हालेलुया, इस संसार के अधिकार के ऊपर प्रभु का अधिकार ही चलता है. It's the same authority which Jesus gave you. और वो ही अधिकार आपको प्रभु ने दिया है. It's the same authority he has given. I told you nothing he gives is discounted. मैंने आपको पहले ही कहा कुछ बच बचाकर डिस्काउंट में प्रभु नहीं देता. So even if we have to suffer. भले ही हमको जो है सताव सहना पड़े. Disciples also suffered. चेलों ने भी सहा. But they did not give up. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी. They went on preaching. और वो प्रचार करते रहे. In the prison, out of the prison, Paul preached. भले वो जेल में हो, बाहर हो, वो प्रचार करते रहे. Went on preaching. प्रचार करते रहे. Because the kingdom of heaven suffers violence. और जो प्रभु का राज्य है, उसके खिलाफ जो है शक्तियां आती हैं. And the violent take it by force. और बलवंत जो है वो छीन कर लेते हैं. Do whatever you want to me. जो भी कुछ आप कर लो मेरे खिलाफ. I will not stop preaching the word of God. लेकिन मैं प्रभु का जो वचन है प्रचार करना बंद नहीं करूंगा. Because it has the power of God to save us. क्योंकि उसके अंदर प्रभु का सामर्थ्य है हमारा बचाव करने के लिए. Let's look at verse 13. 13वीं आयत देखेंगे. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. Again he says full armor of God. फिर वो कहता है पूरा या सारा हथियार बांध लो. Now the soldier has to go with protective clothing. और एक सेना जो है अपनी सुरक्षा के लिए वस्त्र पहनकर जाता है. Yeah, so he wears this protective clothing which is a full armor of God. और वो ऐसे सुरक्षा के वस्त्र पहनता है जो पूरी हथियार रहती है उसके शरीर के लिए. Yeah, and so when he wears this, और जब वो ये पहनता है he's able to face the enemy. और फिर वो जो है शत्रु के खिलाफ
कार्य कर पाता it है says, so that when the day of evil comes, और यहाँ पर लिखा है बुरे दिन जब सामने आएंगे doesn't give you the date or the time, यहाँ पर डेट और समय नहीं लिखा गया है so our being prepared is a everyday process और तैयार रहना हर दिन के लिए है एक दिन के लिए नहीं yeah, we cannot get prepared for Sunday only सिर्फ संडे के लिए तैयारी नहीं कर सकते because sometimes Satan also knows क्योंकि कभी कभार शैतान को भी पता है when to attack कब आक्रमण करे attack on a Monday कि आक्रमण सोमवार को करना attack on a Wednesday आक्रमण बुधवार को करना or maybe some other day और कोई और दिन करना let him enjoy on Sunday doesn't matter उसको मजा करने दो संडे को कोई बात नहीं finally what is he doing क्या कर रहा है वो singing a few songs क्या ही कर रहा है थोड़े गाना गा रहा है some clapping थोड़ी ताली बजा रहा है shaking a couple of legs here थोड़ा पैर हिला रहा है then he goes home फिर घर ही तो जाता है that's okay चलता है I take an interval मैं थोड़ा शांति अभी थोड़ा आराम ले लेता हूँ he is also happy शैतान भी खुश tomorrow is my day सोमवार मेरा दिन है you understand क्या आप समझ रहे हैं our preparation is for every moment of Hallelujah. The day 24/7 thank you jesus हमारी तैयारी हर दिन के लिए होती है और हमेशा के लिए होती है see when a soldier goes to battle जब एक सेना युद्ध लड़ने जाता है he doesn't know when the arrows are coming उसको नहीं पता तीर कहां से चल रहे हैं he doesn't know नहीं पता उसे yeah same way if you see he doesn't know when the shelling will start उसको नहीं पता कि बम कब डाल दिया जाएगा he has no idea उसको नहीं पता because the enemy wants to do it as a surprise attack क्योंकि शत्रु जब आक्रमण करता है तो वो अचंभित करने के लिए आक्रमण करता है he doesn't come with announcement वो बोल कर नहीं आता कि मैं आक्रमण करने वाला हूं so same way उसी तरह the soldier has to be prepared इस सेना को एक योद्धा को हमेशा तैयार होना Protect चाहिए himself with all the protection gear that is there सारे हथियार पहनकर तैयार रहना चाहिए yes and must be able to stand ground और फिर उसे स्थिर रहना बहुत जरूरी है yeah, you can't move from your position अपने जगह से हिल नहीं सकते if god has called you in the church to be an intercessor don't move from that position और अगर प्रभु ने आपको बुलाया है कि इस कलीसिया के लिए मध्यस्थी का काम करें तो उस जगह से ना हिले if god has called you to be an andrew to bring people into the kingdom Don't leave for that position. और अगर प्रभु ने आपको एंड्रू कर नियुक्त किया ताकि लोगों को यहाँ पर ले आए तो उस जगह से ना हिले Yes, make sure that you don't shift from your position. तो आपके जगह से आप ना हिले You see, when battles used to take place earlier, जब युद्ध छिड़ जाती थी पहले You see, what would happen is that the armies would face one another. और ऐसा होता था कि दोनों सेना एक दूसरे के सामने खड़े रहते Yes, and on the front you would have the people with the shields. और सबसे पहले जो है अपने झिलम लेकर जो है आगे खड़े रहते And then you had the people with the arrows. और ढाल लेकर सबसे पहले खड़े रहते और फिर उसके बाद तीर वाले खड़े रहते And the first attack gives when the arrows come on the other side. और पहला आक्रमण था जब सारे तीर आते थे अपने आपके तरफ And then when the arrows come in there could be disturbance in the enemy camp. और जब तीर छोड़ जाते थे तो वहां पर जो है शत्रु के कैंप में गड़बड़ी मच जाती द मेन आइडिया इज टू कॉज डिस्टर्बेंस एंड ब्रेक द ऑर्डर सबसे पहला उनकी योजना यही होती थी कि जो शत्रु के कैंप में है गड़बड़ी मचा दे यू सी व्हेन सैटन शूट्स एरोस इनटू गॉड्स इन अ हाउस और जब शैतान जो है तीर छोड़ता है परमेश्वर के घर के खिलाफ He wants to cause disturbance. तो वो क्या है वहाँ पे अस्थिरता पैदा करना चाहता so है when the disturbance happens, और जब अस्थिरता वहाँ पर आती है the position is changed. वहाँ से हम हट जाते हैं हमारी जगह से हट जाते हैं and when we lose our position, और जब हम अपनी जगह से हट जाते हैं our purpose and calling is also gone. तो हमारी योजना और हमारी बुलाहट भी निकल जाती है There is confusion in the camp. फिर कैंप के अंदर जो है कंफ्यूजन आने लगती That's है why here it says, you be able to stand. और यहाँ पर कहता है कि तू स्थिर खड़ा रहे When you are wearing the armor of God, you don't need to lose your position. जब आप परमेश्वर के हथियार पहन कर खड़े हो तो आप अपनी जगह को ना छोड़े बिकॉज योर प्रोटेक्शन कम्स थ्रू द आर्मर व्हिच इज द आर्मर ऑफ गॉड नॉट अ मैन और आपकी सुरक्षिता प्रभु के हथियार से आती है ना इंसान से Now let's look at verse 14. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर Yes. Verse 14 it says stand firm then with the belt of truth buckled round your waist with the breastplate of righteousness in place.
So that's the dressing. और ये है पहनावा. He says first is you got to stand firm. Don't shift from your position. पहले आपको स्थिर रहना है, आपके जगह से नहीं हिलना. You see, when you stand firm, is that's the place when you can reach out. जब आप स्थिर रहते हैं, तो उस जगह से आप दूसरी जगह पहुंच सकते हैं. Have you seen a seagull when it is fishing? आप उस पक्षी सीगल को देखे हैं जब वो मच्छी पकड़ने की कोशिश करता है? First, it locates its position. सबसे पहला वो उसका जगह देखता है. Because its neck is almost as long as its leg. क्योंकि उसकी जो गर्दन है उतनी ही बड़ी है जितनी उसकी पैर होती है. So what it does is first it is firmly grounded. सबसे पहले वो स्थिर खड़ा रहता है अपनी जगह पर. And then it reaches out the neck. फिर अपनी गर्दन को आगे कर. And then it catches the fish. फिर जाकर मछली पकड़ता है. You know, we are called fishers of men. हमें जो है मनुष्य का मछुआरा बुलाया गया है. And if we don't stand firm, what fishing will we do? अगर हम स्थिर नहीं खड़े रहे तो हम कहाँ कुछ पकड़ने वाले हैं? Can you imagine if you are not firm? आप सोचिए अगर आप स्थिर नहीं खड़े हो. That neck will be shaky. तो आपका गर्दन हिलता रहेगा. And that fish may become stronger than the bird itself. और वो जो मछली है उसको ज्यादा सामर्थ्य मिल जाएगी उस पक्षी के. You get what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? God wants us to be firm. प्रभु चाहता है कि हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें. I believe, yes, I believe. अगर मैं विश्वास करता हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ. I believe in Jesus. Yes, I believe. Hallelujah. मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ. I believe that my sins are forgiven. Yes, I believe. मैं विश्वास करता हूँ मेरे पापों की क्षमा मिली है. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ. I believe Jesus died on the cross for me. I believe. और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर मेरे लिए दी. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ. I believe he rose from the dead. Yes, I believe. मैं विश्वास करता हूँ कि वो मरो में से जी उठा. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ. I believe he's coming to take me home. Yes, I believe. मैं विश्वास करता हूँ वो वापस आ रहा है मुझे अपने घर ले जाने. हाँ, मैं विश्वास करता हूँ. And even if I'm dead, I believe that he will raise me up. Hallelujah. मैं विश्वास करता हूँ मैं मर भी जाऊँ तो प्रभु मुझे जी उठा लेगा. That's a firm belief that we have. और ये दृढ़ विश्वास है मेरा प्रभु में. You get me? When this belief is firm inside of me. और जब ये विश्वास मेरे अंदर दृढ़ है. I can reach out. तो मैं जाकर पहुंच सकता हूँ लोगों तक. I can reach out. मैं पहुंच सकता हूँ. So standing firm is extremely important. दृढ़ खड़े रहना बहुत जरूरी है. Taking your position in the Lord is extremely important. अपनी जगह को लेना बहुत जरूरी है. When you stand firm, that it says you got to have the belt of truth around you. जब आपको जो है दृढ़ खड़े रहना है तो आपको अपनी कमर सत्य के पट्टे से कसकर खड़े रहना है. Make sure that it is firm around your waist. और इस कदर कसकर बांधकर खड़े रहे. See, nowadays these kids wear pants without belts. I tell you, it's horrible. और आजकल के बच्चे जो हैं बिना बेल्ट के पैंट पहनते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. Very unsightly, let me tell you. और बिल्कुल भी देखने के लिए रोमांचक नहीं लगता. Yeah, I don't know what kind of fashion that is. मुझे नहीं पता ये फैशन क्या है. But it's really, I tell you, it's something which is too obscene. और मुझे बहुत ही अश्लील लगता है ये. Yeah, you need to have a belt. आपको एक बेल्ट पहनना जरूरी है. Or it's simple, if you don't have a belt, your pants come down. बहुत साधारण है, बेल्ट ना पहनो तो पैंट उतर जाएगा. Yeah, it is not some rocket science. इसको समझने के लिए ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है. So same way as a believer, एक विश्वासी होने के नाते, the belt of truth must always be around you. और सत्य का पट्टा हमेशा आपके कमर पर होना चाहिए. And the truth is the person of Jesus Christ. Hallelujah. और सत्य यीशु मसीह है. सत्य, yes, the truth is the person of Jesus Christ. और सत्य जो है वो यीशु मसीह है. Yeah, and he is around me, holding me. और वो मेरे इर्द गिर्द है, मुझे कसकर पकड़े हुए. Yes, he is the one who covers me. और जो मेरी मुझे पूरी तरह ढक कर रखता. Yes, and with the breastplate of righteousness in place. और धार्मिकता का झीलम पहनकर. Yeah, when the arrows come. जब ये तीर आते हैं. They are all aiming towards the heart. और सब हृदय की ओर अपना जो है केंद्र रखते हैं. But then the word of God says, make sure your breastplate is in place. तो प्रभु का वचन कहता है, देखो कि अपना झीलम रखना अपने साथ. You know how these military decorations came? You have the small badges. क्या आपने देखा है वो सेना में जो बैचेस डालते हैं सेनापतियों पर, वो कैसे आया? They are actually the breastplate. वो सच में देखा जाए तो वो झीलम है. Yeah, that is actually they used to wear breastplates that would tell you who's the commander and who's the
soldier. और उस झीलम पर लिखा हुआ था कि कौन कमांडर है, कौन सेनापति है, कौन योद्धा है. But now because times have changed. क्योंकि अब समय बदल गया है. I guess metals have become expensive. क्योंकि मेटल की धातु जो है थोड़ी कीमती हो गई है. So they made small badges. इसलिए छोटे-छोटे बैज बना दिए. Yeah, so that's how it is. That means you wear the breastplate covering yourself fully. और अपने आप को पूरी तरह ढककर झीलम पहने. Two things happen. दो चीजें होती है. The Bible says guard your heart. क्योंकि वचन कहता है अपने हृदय की सुरक्षा करो. So when you have this breastplate upon you. जब आप इस झीलम को पहनते हैं. Your heart you need to guard from external influences. और बाहरी जो प्रभाव है उससे आपको अपने हृदय को बचाकर रखना है. Maybe you're guarding it from somebody's arrows. भले ही शायद आपकी दिल की सुरक्षा आप किसी और के तीर से कर रहे हो. But there are other thoughts that enter our heart. लेकिन और भी विचार आ सकते हैं आपके मन के अंदर. And that's what the Lord is saying, guard your heart. इसलिए प्रभु कहता है अपनी दिल की सुरक्षा करो. And similarly here, the word of God says, you know, you need to have the breastplate of righteousness. इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि धार्मिकता का झीलम पहन कर चलो. What is this righteousness? क्या है ये धार्मिकता? Is this righteousness what we think is right? क्या धार्मिकता ये है जो हमें सही लगता है? No, this righteousness is the righteousness of the Lord. और ये धार्मिकता प्रभु की धार्मिकता है. First of all, it is a place which is becoming unreachable for man. और एक ऐसा जगह जहाँ पर मनुष्य पहुँच ही नहीं सकता. That's why Jesus came down on earth. इसलिए यीशु पृथ्वी पर आया. So that we who are unrighteous can become righteous. ताकि हम जो अधार्मिक है वो धार्मिक बन पाए. The righteousness of God is far, far more different than the righteousness of man. और मनुष्य का परमेश्वर की धार्मिकता मनुष्य के धार्मिकता से काफी दूर है. That's why you see the prophet says that this righteousness is like filthy rag. इसलिए नबी कहता है कि गंदे मैले कपड़ों के समान ये धार्मिकता है. Because the compare it is absolutely incomparable. क्योंकि इसकी तुलना की ही नहीं जा सकती. The righteousness of God cannot be compared with the righteousness of man. प्रभु की धार्मिकता की तुलना मनुष्य की धार्मिकता से नहीं की जा सकती. Because many a times this righteousness is comparative with another person. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मनुष्य की धार्मिकता की तुलना किसी और को देखकर करते हैं. That's why you see the publican was standing outside. इसलिए आप देखते हैं वो सामूहिक व्यक्ति जो था वो खड़ा था बाहर. And inside was the Pharisee. और अंदर जाके फरीसी खड़ा हुआ था. What was the Pharisee doing? फरीसी क्या कर रहा था? Was he worshiping the Lord? क्या वो प्रभु की आराधना कर रहा था? No, he was actually bringing accusations against that brother. नहीं, वो वहाँ पर खड़े रहकर दूसरे भाई के खिलाफ आरोप लगा रहा था. That is the righteousness of man. और इसे मनुष्य की धार्मिकता कहते हैं. I am not as bad as that guy. मैं उसके उतना तो बुरा नहीं हूँ. Yeah, I can only have some hatred, but I don't murder anybody. भले मेरे अंदर थोड़ी नफरत हो, लेकिन किसी का खून नहीं करूँगा मैं. Yeah, I just see some of those movies, but I'm not lustful. और भले ही मैं दो तीन मूवी देख लेता हूँ लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे अंदर लालसा है. But what did Jesus say? लेकिन यीशु ने क्या कहा? You have hatred in your heart? अगर आपके दिल के अंदर नफरत है, you already murdered. तो आपने खून कर दिया है. If you have lustful eyes, क्या आपके अंदर जो है लालसा है, you already committed adultery. तो आपने व्यभिचार कर लिया है. Yes, there is no escape from that righteousness. इससे बचने का कोई और धार्मिक इस धार्मिकता से बचने का और कोई उपाय नहीं. This is what the Lord is saying. और ये परमेश्वर कह रहा है that in our posture in this battle, और जिस जगह पर हम खड़े हैं इस युद्ध में, that we need to be firm, हमें दृढ़ रहना है. Our belt has to be in place. हमारा पट्टा सही जगह पर होना चाहिए. And our breastplate has to be in place. हमारी झीलम सही जगह पर होनी चाहिए. Because we are in war, we are not just going for a stroll. क्योंकि हम युद्ध के बीच में हम टहलने नहीं निकले. We are not going with those colorful garments trying to play football. और रंगीन कपड़े पहनकर फुटबॉल खेलने नहीं निकले हैं. No, we are in battle. हम युद्ध के बीच में हैं. It's a do or die situation. या तो करो या मरो. Yes, that's where we are. वहाँ पर हम खड़े हैं. Let's look at 15 and 6, 7. And 15 और 16 आयत देखते हैं. 15 और 17 आयत. और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उद्धार का टोपा और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो. यस. एंड विथ योर फीट फिटेड विद द रेडीनेस दैट कम्स फ्रॉम द गॉस्पल ऑफ पीस. You know, the first thing is what you fit yourself with the right kind of shoes. सबसे पहले अपने पैरों पर सही जूते पहन ले. Yeah. And this is the gospel of peace. और ये मेल के सुसमाचार के बारे में कहता है. You see, those who have small kids in the house. जिनके छोटे बच्चे हो घर पे. If mom and dad start wearing shoes. अगर मम्मी डैडी जूते पहनने लगते हैं.
they know that you are going. तो आपको पता है वो बाहर जाने की तैयारी हो रही है. They have not gone to school as yet. भले वो स्कूल नहीं गए हो. But they know. उनको पता है ये बाहर जाने की तैयारी हो रही है. But some of us. लेकिन हम में से कुछ. Have been 20 and 30 years in the church. 20-30 साल हो गए चर्च में आकर. We are wearing shoes. जूते पहन तो लेते हैं. Nobody knows. कोई जानता ही नहीं. And we also don't know where going. हमको खुद को नहीं पता कि हम जूते पहनकर कहाँ जा रहे हैं. Still there. वहीं पर हैं. Still there, enjoying the fellowship of the saints. और वहीं पर है आराम से जो है आनंद ले रहे हैं संतों के साथ संगति करकर. Prayers getting answered. प्रार्थनाओं का उत्तर आता रहा है. No trouble anywhere. कोई संकट नहीं दिख रही कहीं पे. सब चंगा सी. सब चंगा सी. Everything is nice. सब अच्छा चल रहा है. Yeah. Even Satan is not bothered about you. शैतान को भी फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे होंगे. No difficulty. क्योंकि उसको कोई समस्या नहीं है. But the warrior who wears his shoes. लेकिन जब एक योद्धा अपने जूते पहन लेता है. He wears to go out. वो जूता पहनता है ताकि वो बाहर निकल सके. He goes out because he has got intent in his heart to be at war. और वो जूते पहनकर ये तय कर लेता है कि बाहर युद्ध लड़ने जा रहा है. I am going with purpose. कि मैं उद्देश्य के साथ बाहर निकल रहा हूं. So I fit myself in the readiness. तो मैं जो अपने पैरों को तैयार कर लेता हूं. Yes, I am ready. मैं तैयार हूं. Yes, I am ready. मैं तैयार हूं. I told one brother this morning. एक भाई को आज सुबह मैंने कहा. Oh, red ready, ever ready. अभी उसका हिंदी भाषांतर नहीं हो सकता. So you can tell me after who that brother is. Okay, what does it mean? इसका मतलब क्या है? My feet have got the shoes and I am ready all the time. और मेरे पैरों पर वो जूते तैनात है और मैं हमेशा तैयार हूँ. And then I wear the helmet of salvation. फिर जो है उद्धार का टोप पहन लेता हूँ. When you watch these war movies, I love watching them. और ये जो युद्ध के मूवीज होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है पहनना. Yeah, yeah, I can tell you everything about World War II and World War I. मैं आपको वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध दो तीन दो एक के बारे में कह सकता हूँ. You see when the siren goes. और जब साइरन चल जाता है. You see what they do is first thing. सबसे पहला क्या होता है? You know they wear their belts. वो पहला अपना पट्टा कस लेते हैं. Their pants are already on. क्योंकि उनके पैंट्स उन्होंने पहने हुए होते हैं. फिर वो कोट पहनते हैं. Then they wear their shoes. फिर जूता पहनते हैं. And rush for the helmet. फिर वो भागकर टोप ले लेते हैं. Have you seen that? क्या देखा है? And when they wear the helmet, जब वो टोप पहन लेते हैं. The siren is on. साइरन चल रहा है. They already take their position. वो अपने जगह पर पहुंच चुके होते हैं. No time to think. कोई समय नहीं है सोचने के लिए. Where they are taking me? कहां मुझे ले जा रहे हैं? How many people are there? कितने लोग वहां पर होंगे? How many bullets I have to fire? कितने bullets मुझे चलाने पड़ेंगे? No time to think at all. और समय बचता नहीं है सोचने के लिए. He got just about half a second. सिर्फ आधा सेकंड मिलता है. To say yes or no. कि हाँ कहे या ना. And that's how God wants us to be prepared. और ऐसे ही चाहता है कि प्रभु चाहता है कि हम तैयार रहें. टेक द हेलमेट ऑफ सेल्वेशन कि उद्धार का टोप ले. एंड द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट और जो तलवार है आत्मा की. एंड दैट इज हाउ यू नो द वर्ल्ड वाज वन इन द अर्ली डेज. और वैसे ही युद्ध जीता जाता था पुराने दिनों में. यू सी मोस्ट ऑफ द नोन वर्ल्ड वाज द क्रिश्चियन वर्ल्ड. और ज्यादा करके जो प्राचीन संसार था वो एक मसीही संसार था. यस इंक्लूडिंग अफगानिस्तान. अफगानिस्तान को मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ. अफगानिस्तान पर्शिया इराक ऑल ऑफ दीज वर क्रिश्चियन नेशंस. अफगानिस्तान फारसी ईरान ये सारे जो है मसीही देश थे. या राइट अप टू द होल ऑफ नॉर्थ अफ्रीका. और जो नॉर्थ अफ्रीका है उधर भी. एंड देन यू हैव द सदर्न यूरोप. और फिर दक्षिण यूरोप है. दीज वर द मोस्ट पॉपुलेटेड प्लेसेस. और ये यहाँ पर बहुत जो है लोगों की गिनती थी. And they were Christian nations. और वो मसीही राष्ट्र थे. Because the disciples went out fully armored. क्योंकि जो शिष्य है पूरी तरह तैयार होकर निकले बाहर. And they took the sword of the spirit. और उन्होंने आत्मा की तलवार लेकर. And the word of God. और परमेश्वर का वचन लेकर. Very important to take the two. बहुत जरूरी है दोनों साथ में ले चलना. Sometimes we take only the dagger. कभी कभार सिर्फ तलवार लेकर निकल जाते हैं. छुरी छुरी लेकर निकल जाते हैं. Only sharp on one side. एक ही तरफ उसको नोक लगाते हैं. We do not carry the spirit with us. और spirit नहीं है. और उसके साथ आत्मा नहीं ले जाते. So it can only chop. तो सिर्फ वो भाजी काटने के काम आता है. Yeah, word letter kills.
क्योंकि शब्द जो है वो मारता है. So we have a dagger in our hand. तो ऐसी छुरी हमारे हाथ है. Cut this one, cut that one, cut this one, cut that. इसको काटो, उसको काटो. And if everybody is finished, then cut your friends also. और अगर सब खत्म हो गए, फिर दोस्तों को भी खत्म कर दो. You see, that's what a dagger will do. और यही एक छुरी करती है. But the sword of the spirit. लेकिन आत्मा की तलवार. Has the power to bring life. और उसके अंदर सामर्थ्य है जीवन लाने के लिए. Yeah, so that is important, isn't it? और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं? So here the disciples took both of them together. और चेलों ने दोनों को साथ लेकर बाहर निकले. Sword of the spirit and the sword of the word of God. आत्मा का तलवार और परमेश्वर का वचन. And both of them worked. और दोनों काम कर गए. Even when apostle Thomas came down to the south. और जब प्रेरित थोमा जो है दक्षिण भारत आया. So what happened there? वहां पर क्या हुआ? Signs, wonders, miracles. चिन्ह चमत्कार हुए वहां पर. Word of God came. परमेश्वर का वचन आया. You see, and people changed. और लोग बदल गए. They came to the Lord. और वो प्रभु के पास आए. Similar things happened elsewhere. और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई. और Because when the followers of Christ went, they need to go with these two things, and they did go with these. जब भी परमेश्वर के चेले निकलते हैं तो उनको दो चीजों के साथ निकलना है, और उनके साथ निकले. So on that day when the church was established. और जिस समय कलीसिया स्थापित हुई. On the day of Pentecost. और पेंटेकोस्ट के दिन. The power of God in full measure came upon all those who believed. परमेश्वर का सामर्थ है जो पूरे माप में उन लोगों पर उतर आया जिन्होंने विश्वास किया. And the church was full of power. और कलीसिया पूरी तरह सामर्थ्य में भर गया. And they were ready for battle. और वो तैयार थे युद्ध के लिए. That's why they won. इसलिए वे जीते. You can't win a war if you're a defender all your life. आप एक युद्ध कभी नहीं जीत सकते अगर आप बच बचाकर चलते हो. No. At the best, you may lose some land, शायद but you'll never win. आप कुछ भूमि खो देंगे, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे. Yes, but the Lord wants us to have that inside of us that we want to go and conquer. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर रहे कि हम जाकर जो है विजय हासिल करें. Let's look at verse 13. 13 आयत पढ़ेंगे. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. Verse 16, in addition to all this. और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको. Yes. In addition to this, take up the shield of faith. विश्वास की ढाल. You see, I have the helmet of salvation. उद्धार की टोप है मेरे पास. Yes, I have my shoes. Taking the gospel. मेरे पाँव में सुसमाचार, मेल के सुसमाचार के लिए तैयार है. I have a belt of truth. और मेरे पास सत्य का पट्टा है. Now I need to make sure that the arrows that the evil one will send against me are defended well. अब मुझे तय करना है कि जलते हुए तीर जो दुष्ट मेरे खिलाफ भेज रहा है, मैं उसके खिलाफ बचाव करूं. So what do? I use the shield of faith. इसलिए मैं विश्वास की ढाल का इस्तेमाल करता हूं. And which you can extinguish. The flaming arrows of the evil one. जिससे आप जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं. What does the shield do? एक ढाल क्या करता है? You see, actually the shield is such a covering where a man can hide himself fully. एक ढाल जो ऐसी कवर होती है जिससे एक मनुष्य पूरा अपने आप को ढक सकता है. So when the army moved, they moved with shields, one group. जब सेना आगे बढ़ती थी तो एक गट के समान वो ढाल लेकर चलती थी. And they would cover the other people with the shield. और उस ढाल का इस्तेमाल करके एक दूसरे को ढक कर रखते. So when they would kneel and put the shield up. जब वो झुक जाते और वो ढाल को ऊपर ले लेते. It would look like a wall. तो उन लोग दूसरों को प्रतीत होता कि ये तो एक दीवार है. Yeah, and so that wall would prevent the arrows from hitting. और उस दीवार के वजह से जो तीर आ रही है उनके तरफ, उससे वो बच जाते. Yeah, so that's exactly what the word of God here is saying. और प्रभु का वचन भी यही कह रहा है. That you take up that shield of faith. आप उस ढाल को उठा लो. A shield protects you. एक ढाल आपको आपकी सुरक्षा करता है. It is something that you are able to protect your heart and your head. और जिसके कारण अपना हृदय, अपना सर जो है संभाल के रख सकते हो. So as long as your faith is alive, जितना समय तक आपका विश्वास जिंदा है, it works for you. आपके लिए कार्यरत होगा. And the shield works for you. और ये ढाल आपके लिए कार्यरत होगा. The moment you give up your faith, जिस क्षण आप अपने विश्वास को खो दे, then you're lost. तो आप खो जाएंगे. Because our salvation is only by faith.
क्योंकि हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास से है. There is nothing else that saves us, only faith saves us. और हमारे पास और कुछ नहीं है जो हमें बचा सके विश्वास के अलावा. And if we leave that faith, और अगर उस विश्वास को हम छोड़ दे, our salvation will be also in trouble. तो हमारा उद्धार भी गड़बड़ी में आ जाएगा. Yes, let's look at verse 18. 18 आयत देखते हैं. हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. Yes. You know, prayer is something we need in battle. और एक युद्ध में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. A prayer and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. हर एक समय हर एक प्रकार में आत्मा में प्रार्थना करते रहो. Yes, praying in the spirit is very, very important for our spiritual life. आत्मा में प्रार्थना करना हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है. You see, maybe we, when we start praying, we may start with words which are known to us. जब हम प्रार्थना करना शुरू करें तो ऐसा हो सकता है कि हम उसी शब्दों का इस्तेमाल करें जिन्हें हम जानते हैं. But very soon our words are over. लेकिन फिर बहुत ही जल्द हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं. And when those words are over, जब वो शब्द खत्म हो जाते हैं, when you are in the spirit praying, और जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, God infuses his language into your life. परमेश्वर अपनी भाषा आपके प्रार्थना जीवन में डालने लगता है. Now the wonder of this language, और इस भाषा की अद्भुत बात ये है, this is heavenly language, ये दैविक और स्वर्गीय भाषा है, which Satan does not know. जो शैतान जानता नहीं. So when you pray in a language that you know, जब आप ऐसी भाषा में प्रार्थना करते जो आप जानते हैं, if you are truthful to yourself, अगर आप सच में ईमानदार रहे, the moment I pray in a language I know, जिस क्षण मैं उस भाषा में प्रार्थना करता हूँ जो मुझे पता है, the very next moment doubt comes in. उसके अगले ही क्षण जो है शंका आने लगती है. And the prayer is nullified. और उसके कारण प्रार्थना भी जो है बिल्कुल शून्य हो जाती है. But suppose if I am praying in a heavenly language, लेकिन अगर मैं स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ, Satan doesn't understand. शैतान को ये भाषा नहीं आती. So any suggestion for doubt doesn't come at all. तो शंका के लिए कोई जगह ही नहीं बचती. You get me? क्या आप समझ रहे हैं? There are many things in our life which need prayer. बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में जिसके लिए प्रार्थना जरूरी है. But at the same time, when we are praying for those things, let us understand we are also sowing doubt as well. लेकिन ये याद रखें, जब आप उन जरूरतों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसके साथ साथ आप शंका का बीज भी बो रहे हैं. So while you are praying, जब आप प्रार्थना कर रहे हो, you know, words will be over. शब्द खत्म हो जाएंगे. And then God, in His faithfulness, will infuse His words. और परमेश्वर अपने विश्वसनीयता के द्वारा उसके शब्द आपके प्रार्थना में डालेगा. And then when those words come out, और जब वो शब्द आपके मुंह से बाहर निकलते हैं, you are not able to understand what you said. तो आप समझ नहीं पाएंगे आप क्या कह रहे हैं. So your heart does not deceive you with doubt. तो आपका दिल आपको धोखा नहीं देता शंका डालकर. You have moved from one realm to the next तो level. एक स्तर से आप दूसरे स्तर तक पहुंच चुके हैं. You have moved from an earthly level of doubt and disgust to a level of faith and achievement. एक शंका के सांसारिक स्तर से आप एक दैविक स्तर तक पहुंच गए हैं. And that's why he says, you know, praying in the spirit on all occasions. इसलिए हर समय हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना करें. Yeah, it's not one day that we pray. सिर्फ एक समय नहीं. Yes, maybe tomorrow, as even as we celebrate the day of Pentecost. जैसे कि कल हम इकट्ठा होकर मनाएंगे पेंटेकोस्ट का दिन. I'm not saying that we are going to be do a token prayer of this kind. और मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम कभी कभार के लिए एक टोकन प्रार्थना करें. But that's the time when we'll be kick-starting those who have never done it before. Hallelujah. लेकिन वो समय उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने कभी ऐसी प्रार्थना की है, उनके लिए एक शुरुआत होगी. To move from this realm to the next. ताकि ये स्तर से वो दूसरे स्तर तक पहुँचे. To get into the praise in the place of the spirit. और फिर वो आत्मा के स्तर पर पहुँचे. That they would be able to experience the fire of God upon Hallelujah. them. Hallelujah. कि वो अनुभव करे परमेश्वर की अग्नि उनके जीवन में उतरते See, हुए. This is what happened to those disciples. और इन चेलों के साथ भी यही हुआ. Yes, and I believe it will happen here as well. और मैं विश्वास करता हूँ हमारे बीच भी यही होगा. Yes. And it says, be alert and always keep on praying for all the saints. कि चौकन्ना रहे और हर एक संत के लिए प्रार्थना करते रहे. Every saint, make sure you pray.
हर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। Make sure you pray for everyone in the church. हर एक के लिए जो कलीसिया में उसके लिए प्रार्थना करते रहें। As God puts this video screen in front of you. और प्रभु जैसे वीडियो स्क्रीन आपके सामने चला देगा। You know, he will show you all the needs. वो आपको सब जरूरतें बताएगा। Maybe you may not remember the names. आपको नाम भी याद नहीं होंगे। But if you remember the faces, that's good enough. आपको सिर्फ चेहरा अगर याद रह जाए काफी है। Yeah, that memory will come in front of you. और वो स्मरण आपके सामने आएगा। And God will honor it. और प्रभु उसका आदर करेगा। Because that's what his word says. और उसका वचन यही कहता Keep है। Praying for all the saints. कि हर एक पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे। Let's look at verse 19 and 20. 19वीं और 20वीं आयत देखेंगे। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। Yes. So here you see, when we pray for the preachers, जब हम प्रचारक के लिए प्रार्थना करते हैं, when we pray for those who minister the word of God, जो सेवकाई करते हैं, जब उनके लिए प्रार्थना करें, what do we pray for? तो हम किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं? That they would be faithful and fearless. कि वो जो है विश्वसनीय रहे और बिना भय के रहे. And so Paul here, who the writer of this letter, और पौलुस जिसने पत्र लिखा है, says pray also for me. मेरे लिए भी प्रार्थना करना. You see, most of the people feel you should not be praying for pastors and preachers. Why? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि पास्टर और प्रचारक के लिए कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए. They are the ones who pray for you. क्योंकि वो तो आपके लिए प्रार्थना करते हैं. So why do you pray? तो उनके लिए प्रार्थना करने की क्या जरूरत? I sometimes ask people. मैं कुछ कभी कभार कुछ लोगों को पूछता हूँ. Then why do you say bless the Lord? तो आप क्यों कहते हैं bless the praise the Lord? Bless the Lord. हाँ प्रभु bless the Lord या प्रभु को प्रभु आशीषित. Can you imagine God, who maker of heaven and earth, needs your blessing? तो क्या आप ऐसा विचार करते हैं कि जिसने पृथ्वी और आकाश बांधा है उसको आपके आशीष की जरूरत है? There you will be quiet. तब आप शांत हो जाते हैं. But here, see, Paul is saying. यहाँ पर पौलुस कह रहा है. Pray also for me. कि मेरे लिए भी प्रार्थना करो. Yeah, you pray for many things. बहुत चीजों के लिए प्रार्थना करते हो. But pray for your pastors and teachers. आपके पास्टर्स और आपके शिक्षकों के लिए भी प्रार्थना कीजिए। Pray for the preachers, the apostles, the prophets who God has placed. और प्रचारक, प्रेरित और नबी जिनको प्रभु ने आपके जीवन में नियुक्त किया उनके लिए प्रार्थना करें। What for? किस चीज के लिए प्रार्थना करें? Pray for a new car. क्या उनको एक नई गाड़ी मिले ये प्रार्थना करें? For a new house. कि उनको घर मिले ये प्रार्थना करें? That also is still. Given. वो भी यहाँ पे कहा है कि किसके लिए प्रार्थना करें? That whenever I open my mouth, कि जब भी वो मुंह खोले बोलने के लिए, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. ताकि प्रबल वचन मुझे दिया जाए कि मैं साहस से सुसमाचार का भेद बता सकूं. Church, it's time to move away from, you know, those things which are passing away from this earth. कलीसिया समय आ गया है कि उन चीजों से हम दूर हट जाए जो वैसे ही पृथ्वी के साथ टलने वाली हैं। Grab those things which are eternal. और उन चीजों को पकड़ो जो अनंत कालिक है। So what is eternal here? और अनंत कालिक क्या है? That God would pour out His words into the mouth. Hallelujah! कि प्रभु जो है अपना प्रबल वचन उनके मुंह में उंडेले। That they may fearlessly preach. कि साहस के साथ वो प्रचार करे। The mystery of the gospel to the dying world. सुसमाचार के भेद को वो बता सके उन लोगों के लिए जो जकड़े हुए हैं। For which I am an ambassador. He said, I am an ambassador of Christ. और पौलुस कहता इस बात के लिए मैं राजदूत हूँ। For I am an ambassador in chains. और मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। Doesn't say I am an ambassador in glory. मैं ये नहीं कहता कि मैं एक महिमा में बैठा हुआ राजदूत हूँ। Yeah, I am not an ambassador, you know, because so and so is wearing an Armani suit. I am also wearing Armani suit. No. और इसलिए मैं राजदूत नहीं हूँ क्योंकि मैंने अरमानी सूट पहन रखा हो। No, I am an ambassador in chains. An ambassador where there is suffering, I am still showing forth the glory of God. और मैं जंजीरों में बैठा एक राजदूत हूँ, वो सताओं के बीचों बीच भी मैं प्रभु की महिमा को दर्शा रहा हूँ। And he says that I may declare it fearlessly as I should. और ताकि मैं साहस के साथ उसका प्रचार कर सकूं जैसे मुझे बोलना चाहिए। Church, even as we preach here, जैसे हम यहाँ पर प्रचार करते हैं कलीसिया, we are human beings. हम भी जो है मनुष्य है. We do not have a halo around our heads. और हमारे सर के ऊपर कोई हेलो या कोई प्रकाश नहीं चमक रहा. And our shoes are touching the floor. हाँ, और हमारे जूते जो है वो जमीन पर ही हैं. Yeah. So we are as human as you are. जितने आप मनुष्य हैं, उतने मनुष्य हम भी हैं. As much as you need prayer, the same level of prayer we also need. जितना आपको प्रार्थना की जरूरत है, उतना ही प्रार्थना हमें भी जरूरत है.
The same arrow which hits you, it also hits us. जो तीर आपके खिलाफ आते हैं, वो तीर हमारे खिलाफ भी आते हैं. So here, there's actually a request from Paul. यहाँ पर एक निवेदन है पौलोस की ओर से. So also on those who preach here Sunday after Sunday. और जो यहाँ पर प्रचार करते हैं इतवार तर इतवार. It's a request that you please keep praying for us. एक निवेदन है कि आप प्रार्थना करते रहे प्रचारकों के लिए. Don't just give up. आप हार ना माने. No, don't you know, just be satisfied that your prayer is answered. सिर्फ इसमें तृप्त ना हो कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है. You need to understand. आपको समझना जरूरी है. That in our humanness, we also need your prayer. हमारे मनुष्यत्व में आपकी प्रार्थनाओं को भी जरूरत है. And that we may fearlessly preach the gospel. ताकि हम साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार कर सके. That we may fearlessly live the gospel. ताकि साहस के साथ सुसमाचार में जी सके. That fearlessly we would be able to present the word of God to anybody. ताकि निडर होकर हम प्रभु का वचन बिना डरे किसी और के सामने कर बता सके, प्रचार कर सके. Let me tell you, even Satan has power. मैं आपसे कह रहा हूँ, शैतान के पास भी सामर्थ है. But thing is that he is a defeated foe. लेकिन बात ये है कि वो पराजित हो चुका है. So we have more authority over his works. तो हमारे पास ज्यादा अधिकार है उसके ऊपर. A battle is won. एक युद्ध तब जीता जाता है. When the enemy is defeated. जब जो शत्रु है वो हार जाता है. And all the spoils are brought back home. और सारा लूट जो है वो घर ले आया जाता है. That's the time when the battle is won. तब जाकर युद्ध जीता जाता है. Otherwise it is some roadside dogfight. तो नहीं तो वो कोई रस्ते में लड़ने वाला लड़ाई होगा. Yeah, the dog fights, you know what they do? आपको पता है कुत्ते कैसे लड़ते हैं? After 8 o'clock when their stomach is full. 8 बजे उनका पेट भर जाता है. They are looking for another dog to bark. फिर वो एक दूसरे कुत्ते को ढूंढते ताकि भौंक सके. And if that fellow didn't have food in the evening. और अगर वो कुत्ते ने खाना ही नहीं खाया है शाम को. Then go and jump and bite and all that. तो फिर उसके ऊपर कूद कर उसको भौंक कर झगड़ा करते हैं. And then they come back. फिर घर आ जाते हैं. Or somebody says and then they go. कोई इश्यू कर देता है तो चले भी जाते हैं. That's a dog fight. उसे कुत्तों की लड़ाई कहते हैं. That's not a soldier's fight. और वो एक योद्धा की लड़ाई नहीं है. A soldier keeps his foot in the enemy territory. Hallelujah. योद्धा जो है शत्रु के भूमि पर अपना पैर रखता है. Binds the enemy. उसे जकड़ लेता है. And brings all that he robbed from you. और उसका सारा लूट वापस लेके आता है. Church, that's the hour. और कलीसिया ये समय वो है. This is the hour to be a soldier for God. और समय आ गया है कि आप प्रभु के राज्य के लिए योद्धा बने. You can be an intercessor. आप एक मध्यस्थी करने वाले हो सकते हैं. You can be somebody who is able to present the gospel. आप ऐसे हो सकते हैं जो सुसमाचार बांटने वाले हो. You can be a motivator for the people of God. और आप लोगों को उत्साहित करने वाले हो सकते हैं. You can be somebody who can teach the word of God. और आप ऐसे हो सकते हैं जो लोगों को प्रभु का वचन सिखा सकते हो. You can stand in a house and prophesy. क्या आप ऐसे जो घर पे खड़े रहकर भविष्यवाणी करते हो? You do it. आप करिए. Hold your place. अपनी जगह को पकड़ रखकर करिए. You have a position in Christ. और मसीह में आपकी एक जगह है. Nobody sits on the bench. कोई भी बेंच पर जाकर नहीं बैठता. Everybody is in the battlefield. हर एक जो है वो युद्ध की भूमि में खड़ा है. Simple. बहुत साधारण बात है. Amen. God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे. Amen. Shall we partake of the bread and the cup? आइए प्रभु में इसमें भाग लेंगे. Yeah, remembering the death of Jesus at the cross. यीशु मसीह का जो मृत्यु है उसका स्मरण करके. The purpose that we can live for. और जिस योजना के लिए हम जीते हैं. Father, we thank you, Lord, for the bread and the cup. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस रोटी और प्याले के लिए. A precious reminder to us. एक बहुत ही अनमोल स्मरण हमारे लिए. Lord, where we can refresh ourselves. कि हम अपने आप को ताजा कर सके. Refresh the salvation which is working inside of us. और वो उद्धार को ताजा कर सके जो हमारे अंदर कार्यरत है. Knowing that you died for us at the cross. ये जान करके आपने अपनी जान क्रूस पर हमारे लिए दी. Our sins are forgiven. हमारे पापों की क्षमा मिल चुकी है. And you have removed, Lord, our iniquities as far as the east is from the west. और हमारे कुकर्मों को तूने दूर किया है प्रभु. And you have delivered us. और हमें बचाया है प्रभु. We thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं प्रभु. For you rose from the dead. कि आप मरो में से जी उठे प्रभु. That even if we die. कि हम अगर मर भी जाएं. You will raise us up. आप हमें उठा लेंगे प्रभु. On the day of your coming. आपके आने के दिन में. And take us into eternity. और हमें अनंत कालिक में पहुंचाएंगे प्रभु. Lord, we thank you for this.
धन्यवाद प्रभु. And bless this week to us. इस सप्ताह को आशीषित कीजिए प्रभु. In Jesus name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. God bless you. सबसे सुंदर हजारों में मेरा प्रिय सबसे सुंदर हजारों में. We are planning tomorrow to meet at 7 in the evening. Yeah, worship team is okay. Fine. So we will meet at 7 in the evening. तो कल शाम को हम यहाँ पर कल शाम को हॉल में 7 बजे मिलेंगे. Amen. Amen. सबसे सुंदर हजारों में यीशु नाम लूंगी अभी. कृपया उनसे विनती है कि वे जो हैं फाइनेंस टीम के पास जाकर अपने आधार और पैन कार्ड की कॉपी या नंबर जो है उसकी पुष्टि कर उन्हें वो कॉपी दे दे या व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं. आप सिस्टर मरिया को भेज सकते हैं, भाई पीटर को भेज सकते हैं, पैन कार्ड और आधार, राइट. सो मैं ये नाम लूंगी. अगर आप यहाँ पर हैं तो कृपया करके प्लीज रुक कर उनसे मिल कर जाए या उनको व्हाट्सएप करें. आरती एस वागमारे, आजिनाथ एस कांबले, आकाश एस वागमारे, अक्षता सकपाल, अक्षता एस वागमारे, एलन वर्गिस, आनंद एका, अरुण अरुमुगम, अश्विनी वागमारे, भावना नायक, दीपक रायना, दीपक अल्हाट, गौतमी सौरते, जय स्वरा राम शंकर, जॉन वर्गिस, जस्टिन परशुराम, मगनदित एका, महिमा जॉनसी जॉन, मनीषा राजकुमार, निधि अडव, राजेश कर्णन, रमेश ए यमगा, रनीटा कोटिन्हो, रोहिणी ए भुसाल, संदीप सिद्धार्थ, सनिल दास, संजय बी गंगवानी, संतोष डी श्री सुंदर, शीतल डी जी एच, शाइनी फ्रांसिस, शिरसाट वी लंबज, शीतल यू वसावे, सोनल जी शाह. अगर आपका नाम लिया गया है तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया करके फाइनेंस टीम को मिलें.